भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओंकार और गायत्री मंत्री के जप के साथ आप प्रणाम कर सकते, मौन होकर भगवान की शरणागति में। प्रभु आपकी शरण। देखो, भौतिक जगत के सत्य को यदि एक शब्द में बोला जाए तो सारा भौतिक जगत कामनाओं पर टिका हुआ है। हमारे मन में कामनाएं उठती हैं और उन कामनाओं को पूरा करके हम सफलता, समृद्धि, सुख, शांति जो भी कुछ पाने की कोशिश करते हैं। भौतिक जगत कामना और कामनाओं की पूर्ति से सफलता, सम्मान, सुख, समृद्धि, सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य आदि पाने का जो पुरुषार्थ है, ये भौतिक जगत का सत्य है। और आध्यात्मिक जगत का सत्य क्या है? कामना मुक्त होकर के, अकाम होकर के अकाम होके, निष्काम होके, आप्तकाम आत्मकाम ब्रह्मकाम होकर के आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, मस्तिष्क में जो परमात्मा ज्ञान देता है, हृदय में परमात्मा जो प्रेरणा देता है, आत्मा में जो परमात्मा प्रकाश देता है, आज्ञा देता है, निर्देश देता है, बस अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दिया, अपनी कामना कुछ रही नहीं, तो इसी को बोलते हैं भगवान की शरणागत। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं भूल से। इस बार कुंभ में एक संत समागम चल रहा था तो एक संत ने कहा कि बस भगवान के शरणागति में आ जाओ और कुछ नहीं करना, बस यही योग है। मैंने कहा ऐसा मत बोलो भाई, भगवान के शरणागति में आ जाओ और कुछ नहीं करना ये योग है, ऐसा मत बोलो। भगवान की शरणागति में आ जाओ और फिर जो भगवान की आज्ञा है वही करना, ये योग और आध्यात्मिकता। कुछ नहीं करना ये तो अकर्मण्यता हो गई ना। वेद आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा में, आत्माज्ञा में रह के आप्त काम होना, आत्म काम ब्रह्म काम होना, आप तो पुरुषों की तरह आचरण करना है, ये तो करना ही पड़ेगा ना। भगवान की शरणागति का अर्थ है फिर जो भगवान की आज्ञा है। आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा हर पल उठती रहती है। किसी भी गलत काम करने से बोलो परमात्मा में रोकता है कि नहीं रोकता? अंदर से आवाज आती है, हर समय ये घटना घटती है। भैया इसके लिए कोई शास्त्र प्रमाण की जरूरत है? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम? हर समय आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, गलत काम करने से परमात्मा हमें रोकता है और सही काम करने में हमारा साथ देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी बात को कहा, हर समय आत्मा में गलत काम जब भी
कभी हम करते हैं तो एक भय शंका और लज्जा उत्पन्न होती है। परमात्मा आत्मा में बैठा परमात्मा हमें रोकता है और सही काम करने में आनंद उत्साह निर्भयता परमात्मा अंदर से हमें साथ देता है कि इसको करो। ऐसे भगवान की शरणागति, मैं हमेशा दो तरह से बातों को कहता हूं। मैं कहता हूं विकारों की समाप्ति ये योग है और दिव्यता भगवत्ता की प्राप्ति ये योग है। दो बातें एक साथ समझेंगे ना तो भ्रांति नहीं आएगी। चलो कपालभाति करो। भगवान की शरणागति का अर्थ है फिर जैसे भगवान की आज्ञा वैसे ही जीना है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा, करता है मेरा मालिक मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। कमाल भांति करते रहिए, ऐसे भगवान का यंत्र बनना है आपको। भगवान का यंत्र बन करके जीना है, भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान के दिव्य शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य से, भगवान के दिव्य प्रेम करना वात्सल्य से युक्त होकर के, भगवान का मूर्त रूप होकर के, शाश्वत का प्रतिनिधि होकर के, ऋषियों का प्रतिनिधि होकर के आपको जीना है। ये है योग, यह है भगवान की शरणागति। आपके द्वारा फिर ईश्वरीय कार्य संपादित होंगे इस धरती पर। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के करना। ब्रह्मण याधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति याह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ये है स्थिति योगी की। भगवान करवा रहा है, बस मैं तो निमित्त मात्र, सब करने का ज्ञान, करने की शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य सब भगवान ने दिया है, बस मैं निमित्त मात्र। फिर जो हम करते हैं कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर भगवान की पूजा बन जाता है। यही ज्ञान योग है, जानना कि सब कुछ करने की शक्ति ज्ञान सामर्थ्य ऐश्वर्य भगवान। फिर कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के करना, यही कर्म योग है। फिर वो कर्म हमारे भक्ति बन जाता है, भक्ति योग है। तो प्रभु जो अंतः आत्मा में प्रेरणा दे रहा है, अंतरात्मा की प्रेरणा को प्रभु की आज्ञा मान के करना, इसी को कहते हैं तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। प्रभु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, प्रभु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है, एहसान पर ये
करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम की शरण में आकर के फिर जीवन में ना एक अलग तरह की अनुभूति होती है। दुनिया के लोग किसके लिए काम करते हैं? सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख, सफलता, समृद्धि, अलग प्रकार का ऐश्वर्य और संबंधों के लिए काम करते हैं। ये दुनिया का सत्य है। तो जो ईश्वर का भक्त होता है, जो योगी होता है, वो सत्ता के लिए काम नहीं करता, संपत्ति के लिए काम नहीं करता, वो सम्मान के लिए भी काम नहीं करता, वो भौतिक सुखों के लिए भी काम नहीं करता, वो भौतिक संबंधों के लिए भी काम नहीं करता, वो भौतिक सफलताओं के लिए भी काम नहीं करता, अलग प्रकार की जो समृद्धि ऐश्वर्य बोला जाता है उसके लिए भी काम नहीं करता। सामान्य लोग तो इन्हीं के लिए जीते हैं। हमारी कॉमन डिजायर्स क्या है? यही तो है। योगी तो भगवान के लिए जीता है और बायो प्रोडक्ट के रूप में ये सारी चीजें उसको अपने आप मिलती हैं, वो इनको पाता नहीं है। क्या बोला? इनको पाता नहीं, ये तो उसके बायो प्रोडक्ट है। जब आप भगवान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा, सब प्रकार का ऐश्वर्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सुंदरता मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा ना। लेकिन ये बायो प्रोडक्ट है। इसलिए यहाँ आकर के जब लोग हमसे इंटरव्यू लेते, बाबा जी ये इतना बड़ा पतंजलि योगपीठ संस्थान, इतना बड़ा ये संगठन, इतनी बड़ी ये आपकी समृद्धि, ये प्रॉस्पेरिटी, ये इतना बड़ा ब्रांड, ये सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे क्या प्लानिंग थी आपकी? सब तो प्लानिंग से ही करते हैं ना। मन का कोई योजना नहीं, सब ईश्वरीय योजना से हो रहा है। बोले सफलता कैसे मिल गई, इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया, ये ऐसे कैसे चारों ओर पतंजलि का यश फैल गया, करोड़ों लोगों का ट्रस्ट, ये तो हिंदुस्तान में ज्ञात इतिहास में हुआ ही नहीं, सब विदेशी ब्रांड्स के पीछे दौड़ रहे थे। इतना बड़ा शुद्ध सात्विक स्वदेशी ब्रांड कैसे खड़ा हो गया? मैंने कहा हमने इसके लिए प्रयास ही नहीं किया। हमने किया योग और यज्ञ, योग से जो शक्तियां अर्जित की उसे यज्ञ किया, परोपकार किया, पुरुषार्थ और परमार्थ, योग और कर्मयोग, साधना और सेवा, बस हम यही करते गए। ये सब इसका बायो प्रोडक्ट है। मैं आपसे भी कहता हूं, यदि जिंदगी का बड़ा लक्ष्य बनाना चाहते हो तो योग करो और कर्मयोग करो, साधना करो और सेवा करो, पुरुषार्थ करो और परमार्थ करो, योग करो और यज्ञ करो, आपका अभ्युदय निश्चय सब अपने आप सिद्ध हो जाएगा जीवन में। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख और सफलताएं, समृद्धि और अलग अलग संबंध जिनके लिए आप जीना चाहते हो, ये तो अपने आप हो जाएगा भैया। ये बहुत बड़ा फेर है दुनिया, ये भौतिकवादी दृष्टिकोण में द मेटलिस्टिक जो विजन है और स्पिरिचुअल विजन में ये फर्क है बहुत बड़ा। भौतिकवादी दृष्टिकोण और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ये मूलभूत फर्क है। एक सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख, संबंध, सफलता, अलग अलग प्रकार की समृद्धि, ऐश्वर्य, उसके लिए जीना चाहता है, और एक योगी भगवान के लिए जीता है।
तो बाकी काम तो उसके अपने आप हो जाते हैं। मैं कहता हूं ना, जब आप भगवान को अपने आप को सौंप देते हैं तो भगवान अपनी सारी दिव्यता आपको सौंप देता है। भस्त्रिका कपाल भाति उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो पहले ही करवा दिए। मोटापा के पैकेज के बारे में बता रहे थे, सारे पैकेज भी बना दिए। चलो एक बता दिए आपको, अभी एक भजन सुना देते हैं। हम ना अपने ईगो को खत्म नहीं करना चाहते, अपने मैं को जिंदा रखना चाहते हैं, और योग मैं की मृत्यु के बाद प्रकट होता है। गुरु शिष्य परंपरा भी यही है। हम अपना अस्तित्व जब गुरु में विलीन कर देते हैं, सब मेरे साथ बोलिए, आचार्य मृत्यु। मृत्यु मृत्यु बोलने से डर तो नहीं लग रहा? क्यों नहीं डरते, सब तो डरते हैं। आचार्य क्या है? आचार्यो मृत्यु, इतना तो याद है ना, बस इतना ही बोलता है। आचार्यो मृत्यु वरुणा सोम औषधय पया जीमूता संसत्वान तैरिदम स्वराभितम मम व्रते हृदयं ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व प्रजापतिः बृहस्पतिः त्वानियुनक्तुमय्यम्। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम् कृणते गर्भमन्तः तम रात्रि तीस्र उदरे विभर्ति तम जातम् द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः। ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा और भगवान की भक्ति की जो परंपरा, वो ये है कि अपने आप को गुरु की शरणागति में पूरी तरह से अर्पित कर देना, सौंप देना, भगवान को सौंप देना। फिर अगला काम तो गुरु और भगवान अपने आप करेंगे ना, लेकिन हम अपने मैं को मिटाना नहीं चाहते। चलो एक भजन गाते हैं, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। अपने आप को जब भगवान के हाथों में सौंप देते हैं ना, तो फिर भगवान हमारा सब प्रकार से ख्याल रखता है। यदंग दास से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिर है, वेद का मंत्र है, वेद का विधान है, भगवान का विधान है, भगवान की मर्यादा है, भगवान का आश्वासन है, भगवान की प्रतिज्ञा है हम सब जीवों के लिए। जो मेरी शरण में आता है मैं उसका सदा ही उद्धार करता हूँ। नौमे भक्त प्रणश्यति अहम इव स्वयं इदम मदाम जुष्टम देवे विरुतमान से भी यम कामय तम तम उग्रम प्रणाम तम ब्रह्मणम तम ऋषिम तम सुमेधम। जब हम भगवान को अपने आप को सौंप देते हैं तो भगवान हमारा, हमारे माता पिता का, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, यदि हम गृहस्थ हैं तो, और यदि हम सन्यासी हैं तो हमारे शिष्यों का, हमारे संस्था का, हमारे संगठन का, इस पूरी समष्टि का, वही तो करता नियंता संघर्ता सब कुछ भगवान है, तो फिर उस पर भरोसा तो करो ना। आइए गाइए आप। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार के समान जग में दाता न और कोई, उसके समान जग में दाता न और
हमारी औकात से, हमारी हैसियत से ज्यादा परमात्मा ने सदा हमें दिया है। कभी कभी चिंतन किया करो हमारी क्या क्षमता योग्यता पात्रता थी और भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, तो तुम्हारा हृदय अपने आप कृतज्ञता से भरा है। मन वचन कर्म उसकी आज अनुसार कर ले। जैसे आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है बस वैसा ही मन, वैसी ही भावना, वैसी ही वाणी, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही कर्म, वैसा ही आचरण करो। मन वचन कर्म उसकी आज अनुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज अनुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई। भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई। किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा। किसको पथिक न कोई जीवन उधार देगा। एक पल पथिक न कोई जीवन उधार देगा। जिस दिन बमंद अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विनाता दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। इंद्र कर्तुम न आभर पिता पुत्रे थो यथा शिक्षाण अस्मिन पुरहूत यामने जीवाच्य। हम बोलते तो हैं भगवान तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा और तुम ही मेरे धन हो, तुम ही मेरे प्राण धन हो, लेकिन ऐसा अंदर से ना पूरा स्वीकार नहीं करते। और कभी कभी स्वीकार भी करते हैं तो फिर पूरा वैसा जीते नहीं है। अभी जब हमने प्रार्थना की तब हमने सबसे पहले यही स्वीकार किया, यही प्रार्थना की कि हे प्रभु आपने ये सुंदर जीवन
और जगत बनाकर हम सब अमृत पुत्रों पर, हम सब आपकी संतानों पर, हम सब जीवों पर आपने प्रभु बहुत बड़ा उपकार किया है। ये मस्तिष्क भगवान का दिया हुआ, मस्तिष्क में ज्ञान भगवान का दिया हुआ, आंखें आंखों में देखने की शक्ति, कान कानों में सुनने की शक्ति, वाणी वाणी में बोलने की शक्ति, हाथ हाथों में कर्म करने की शक्ति, ये हृदय हृदय में प्रेम करुणा और वात्सल्य, सारा सामर्थ्य भगवान का दिया हुआ, सारा ऐश्वर्य भगवान का दिया हुआ, सब सुख भगवान का दिया हुआ, खाने पीने देखने सुनने की चीजों में, संबंधों में, शरीर में और इस संसार में जो भी सुख है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का उसका स्रोत तो प्रभु आप ही हैं। तो फिर जब आपने मुझे सब कुछ दिया है और आप ही सब कुछ दे रहे हो, सब कुछ आपका ही है, आप में ही है, आपसे ही है और आपके लिए ही है, फिर मैं अपना आपा बचा के क्यों रखूं? लेकिन हमारे जो अहंकार है ना, ये हमें अर्पित नहीं होने देता, भगवान की शरणागति में पूरी तरह से नहीं आने देता। हम अपने आप को बचा के रखते हैं। जब सब कुछ भगवान का है तो हमारे इस अस्तित्व पर भी सबसे पहला अधिकार किसका? जोर से बोलो। ऐसा हम बोल तो देते हैं लेकिन पूरी तरह से उसको जीते नहीं है। जब गुरु और शास्त्रों से हमें सत्य समझ में आता है कि है तो सब कुछ भगवान का ही।